आज मोदी और योगी की सरकार ने निजीकरण की ओर चंद उद्योगपतियों को हाथों में डाल दिया, सत्याग्रह पर बैठे हुए सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। महाजंगल राय लालू की सरकार और वर्तमान में 17 साल नीतीश कुमार की सरकार उस बहुदेशीय परियोजना को खटाई में डाल दिया। सर क्या नाम है सर आपका? राजकुमार शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। राजकुमार शर्मा जी, सारे कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। मैं लगातार कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में डेडिकेटेड होकर के काम करता रहा और वर्तमान में मैं किसान कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर बिहार के प्रभारी के रूप में 3800 जिला में, जैसा कि पूर्व में हमारे सभी साथियों ने आपको बताया है, लगातार खेत खलिहान गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जा कर के पार्टी को मजबूत करने, संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम और आम जनता की जो समस्या है। आज बिहार में कांग्रेस के समय में सैकड़ों कृषि उद्योग लगाए गए थे, चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल, रेशम मिल, हर जिला प्रखंड में कुछ न कुछ उद्योग धंधे लगाए गए थे। आज बिहार की आधा से ज़्यादा आबादी 2 जून की रोटी कमाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पाने के लिए दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों में दर दर की ठोकरें खा रहा, गोली और गाली खाने को हर बिहारी विवश है। बिहार का 12 जिला जो लगातार बाढ़ से प्रभावित रहता है, कांग्रेस ने बहुउद्देशीय परियोजना ला करके बाढ़ का अस्थायी प्रबंधन का काम किया था, लेकिन महाजंगल राय लालू की सरकार और वर्तमान में 17 साल नीतीश कुमार की सरकार उस बहुउद्देशीय परियोजना को खटाई में डाल दिया। आज 12 जिला हमारा बाढ़ से लगातार प्रभावित रहता है, करोड़ों की जान माल की क्षति होती है। हर साल बाढ़ प्रबंधन के नाम पर खरबों रुपया सरकार के खजाने से निकाल लिया जाता है। बिहार में शिक्षा चौपट है, बिहार को 17 साल से नीतीश कुमार शराबबंदी और जातीय जनगणना विशेष राज के दर्जा के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। ऐसे अति महत्वपूर्ण जनहित के सवाल बिहार में हम लोगों ने, महंगाई, निजीकरण, आज पूरा बिहार नहीं पूरा देश रसोई गैस पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है, उपयोगी वस्तु जो दैनिक उपयोग की वस्तु है सबका कीमत आसमान, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के भारत की सभी जो संस्थाएं जिसमें लोगों को रोजी रोजगार नौकरी देने का काम करता था, आज मोदी और योगी की सरकार ने निजीकरण की ओर चंद उद्योगपतियों को हाथों में डाल दिया। ऐसे बहुत सारे जनहित के सवाल हैं जिस पर हम और हमारे सभी साथियों ने, सभी कांग्रेसी जन ने इस सवाल को बिहार के कोने कोने में लगातार हम लोग उठा रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी साथी अपना खून पसीना जीवन जवानी डेडिकेटेड होकर के देते रहे हैं। हम लोग आए हैं आदरणीय आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी से मांग कर रहे हैं कि बिहार को, कांग्रेस को बचाइए। बिहार में जो ये क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, बदलावकारी जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को आगे लाइए, सेकेंड लाइन को आगे लाइए, हर जात से, हर धर्म से, हर वर्ग से उसको जो है मौका दीजिए। हम लोग आदरणीय प्रियंका गांधी की तरह खेत खलिहान में जाकर, गांव गरीब किसान मजदूर के बीच में जाकर उसकी समस्याओं को उठाने का काम करते रहेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हम लोग कांग्रेस के लिए ही मर जाएंगे, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार जी, जैसा कि हमने सभी कार्यकर्ता से बात करी, सभी कार्यकर्ता का यही ये कहना था कि राजकुमार जी को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे और टिकट दलाली करते हैं, पैसे लेते हैं और टिकट किसी और को दे देते हैं। जो हम कार्यकर्ता हैं हमें मौका नहीं मिल रहा, दूसरी पार्टियों से नेता आते हैं, उन्हें पैसे लेते हैं, उनसे उन्हें टिकट देते हैं। तो इस बात में क्या आपको लगता है कि कितना ये सच है या फिर क्या है? कांग्रेस के सिपाही के रूप में आज भी हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और आदरणीय आला कमान का जो फैसला होगा सर्वोपरि होगा। हमको जो भी जिम्मेवारी पार्टी देते रही है पूर्व में, आज भी जो देगी, मैं बखूबी सभी साथियों के साथ मिलकर के, सम्मानित सभी कांग्रेसी जन के साथ मिलकर के आम गांव गरीब जनता के बीच में आंदोलन मैं करता रहूंगा, समस्या को उठाता रहूंगा। जो एक विपक्ष की मजबूत भूमिका होती है उसको मैं जरूर करूंगा। राजकुमार जी, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि दलाली हो रही है या फिर नहीं हो रही। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारे पूर्व में सभी साथियों ने कहा, हमारे जो साथी हैं, किसी का 4 बार टिकट बेचा गया, किसी का 3 बार बेचा गया, किसी का 2 बार बेचा गया, किसी का पद बेचा गया, डेलीगेट बेचा गया, तो ये दर्द वाजिब है। और बिहार में दर्जनों निष्क्रिय लोग हैं
जो जदयू आरजेडी भाजपा से मिले हुए रहते हैं, निजी स्वार्थों में अपने बाल बच्चों के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, बाहर से लोगों से मोटी रकम लेकर के टिकट बेचते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने आज लगातार इस चीज़ को बिहार में भी और दिल्ली में भी आकर के अपने सीनियर लीडरों के बीच में इस बात को रखने का काम किया है कि बिहार को अब जो है ऐसे निष्क्रिय लोगों से विमुक्त किया जाए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए, उसको उसको सम्मान दिया जाए, उसको पार्टी में सम्मानित जगह दिया जी। अगर मान लीजिए अगर आपकी आज बात आला कमान सुन लेता है, आपको मान लीजिए अध्यक्ष बना देते हैं कांग्रेस का बिहार का, तो क्या कार्य आप सबसे पहले करना चाहेंगे? क्या जो कार्यकर्ता रोड पे जैसे घूम रहे हैं, जैसा कि बताया कि हम रोड पे काम करते हैं जिनसे हमने बात करी, तो क्या इनके लिए क्या आगे? आज बिहार जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की बहुत बड़ी संभावना है, कांग्रेस को गांव में, खेत खलिहान में, किसान गरीब मजदूरों के बीच में, बेरोजगार छात्र नौजवानों के बीच में और जो जनहित के इश्यूज हैं उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी। हम लोग आला कमान को आश्वस्त करने के लिए आए हैं। आला कमान सेकेंड लाइन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए, प्रदेश की जिम्मेदारी दे, हम लोग बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लेकिन राजकुमार जी, जैसे कि आप सुबह शायद 11 बजे से बैठे हुए प्रदर्शन पे, तो आपने ज्ञापन भी सौंपा होगा अंदर, तो ज्ञापन के सौंपने के बाद कुछ कार्यवाही हुई? कोई नेता आपसे मिलने आया या फिर कोई आलाकमान का अफसर आपसे मिलने आया अभी तक? आपके माध्यम से अभी अंदर से सूचना आई और हम लोगों को आश्वासन मिला है कि हम लोगों से आलाकमान मिलेंगी। ये आप लोगों के माध्यम से अभी सूचना मिली है, तो हम लोग बात कर कर करके बिहार की दुर्दशा को, बिहार के कांग्रेस में बदलाव को लेकर के सार्थक और मजबूत टीम देने की मांग करेंगे। तो राजकुमार जी, अगर मान लीजिए आज अगर बात नहीं हो पाती आला कमान से, तो कब तक ये प्रदर्शन चलता है? यह अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक बिहार का सोल्यूशन नहीं हो जाता है, कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता है, पार्टी के हित में, हम लोग पार्टी के हित में, कार्यकर्ता के हित में, संगठन के हित में, बिहार के आम जनता के हित में अपने हाईकमान से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए जब तक मुलाकात नहीं होती है हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन बैठे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। धन्यवाद।